हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी को मैड डॉग के रिक्वायर्ड एक्सेसरीज एंड स्काउटेक्स ऑक्सिलरी लाइट का अनबॉक्सिंग शो करूंगा। सो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली मैंने अपनी ट्राइम स्पीड 400 के लिए मैड डॉग का स्काउटेक्स ऑक्सिलरी लाइट ऑर्डर किया है। उसके साथ रिक्वायर्ड एक्सेसरीज भी मैंने ऑर्डर किया है। पैकिंग तो इसकी अच्छी लग रही है। मैड डॉग का ये सारा पार्ट्स मुझे ऑर्डर करने के 2 दिन के भीतर ही आ गया। मैं कोलकाता में रहता हूँ और ये बैंगलोर से आया है, तो मैंने सर्विस सेंटर में रिक्वेस्ट किया कि मुझे जल्दी देने के लिए। तो लोगों ने बहुत फास्ट डिलीवरी की है इसकी। बहुत अच्छे से पैक किया गया है। इसके भीतर फोम रखा गया है ताकि पार्ट्स ही लेना ट्रांजिट के दौरान। अब इस पार्सल में क्या क्या आया है देखते हैं। चलिए, पहला तो USD फॉक क्लैंप्स दिख रहे हैं, बहुत ही हैवी है। सो इंडिविजुअली मैं सबको अनबॉक्स करके शो करता हूँ आप सभी को। दूसरा ऑक्स लाइट का फिल्टर है। तीसरा स्विच एक्स प्रो। चौथा है वायर हार्नेस का बॉक्स। एट लास्ट स्काउट एक्स ऑक्सिलरी लाइट। सबसे पहले मैं वायर हार्नेस को अनबॉक्स कर रहा हूँ। देख सकते हैं पैकेजिंग इसकी अच्छी की गई है। इसमें 3 zip ties दिए गए हैं, 3 external कनेक्टर्स दिए गए हैं। 2 foglight में कनेक्ट होगा और 1 switch के लिए। ये जो कनेक्टर है ये इग्निशन से कनेक्ट होगा। इग्निशन ऑन होगा तभी foglights ऑन होंगे। और ये वायर हार्नेस प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ देख सकते हैं। रिले की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। अब मैं ऑक्सिलरी लाइट फिल्टर का अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। देख सकते हैं इसमें टोटल 4 rubber pads दिए गए हैं जो कि ऑक्सिलरी लाइट में फिट होंगे। और इसके साथ मुझे 3 filters दिए गए हैं। एक तो कम्प्लीटली ब्लैक फिल्टर है जो कि सिटी में यूज़ करने के लिए है। दूसरा वाइट फिल्टर है जो कि हमारे स्काउटेक्स लाइट को प्रोटेक्ट करेगा। और तीसरा जो है येलो फिल्टर है जो कि येलो लाइट में कन्वर्ट करेगा। रबर पैड में अब ये फिल्टर्स जो मिले हैं मैं इसको फिट करके देख रहा हूँ। देखिए कैसे इसे फिट कर रहा हूँ मैं। सो ये एक एड ऑन है, आप चाहे तो ना भी लगा सकते हैं इसको। ब्लैक वाला फिट हो गया, देख सकते हैं बड़ा मस्त दिख रहा है। वाइट वाला भी आप देख सकते हैं क्रिस्टल क्लियर। मुझे ये एड ऑन इसलिए चाहिए था क्योंकि इसमें एक येलो फिल्टर था। स्विच एक्स प्रो में 18 months का वारंटी है और जो नॉर्मल स्विच आता है मैड डॉग का उसमें कोई वारंटी नहीं रहता है, वो थोड़ा कम प्राइस का रहता है। ये थोड़ा प्रीमियम प्राइस का है। ये देखने में भी अच्छा है, इसमें लाइट भी है। ये 1500 का है। और इसकी खास बात यह है कि ये वाटरप्रूफ है। बड़ा ही मस्त लग रहा है देखने में, क्लिकिंग साउंड भी अच्छा है। उसके साथ ये माउंट भी दिया गया है। मेरे स्पीड 400 में तो मैं इसे हैंडल बार पे इंस्टॉल करूँगा। क्लैंप का अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत हैवी है ये, इसका भी पैकेजिंग बहुत अच्छा है। अच्छा खासा हैवी है ये। चलिए इसे खोल के देखते हैं। तो ये जो रबर पैड दिया गया है ये फॉर्क में लगेगा। और इसके स्क्रूज दिए गए हैं जो हमारे USD फॉर्क में लगेंगे। अच्छा पूरा ब्लैक है, अच्छा फिनिश दिया गया है, मैट फिनिश। ये साइड माउंट है और ये भारी भारी क्लैंप्स देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्लैंप्स लग रहा है ये। इस पर पूरा बैजिंग किया गया है मैड डॉग का, मेड इन इंडिया है, देख सकते हैं। इसको इस तरह से लगा देना है। ये देखिए मैड डॉग की बैजिंग बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह से लगेगा और एक क्लैंप को 4 screws से होल्ड करेंगे। ये दूसरा सेट दूसरे USD फॉर्क में लगेगा। आप देख सकते हैं मेरा इनवॉइस, वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। सो मुझे टोटल ये 11,046 रुपीज का मिला है। कंपनी के नाम पे लेंगे 3200 के आसपास GST सेव कर सकते हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट स्काउटेक्स, ये मेरे लाइफ का सबसे कॉस्टली ऑक्स लाइट है। मैंने अपने एवेंजर में बहुत ही नॉर्मल सा बेसिक सा फॉग लाइट लगाया था, अराउंड 900 का पेयर, और ये मुझे मिला है 5,750 रुपीस का। स्काउटेक्स का क्लैंप देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का है। इसका लाइफ स्पैन अराउंड 50,000 आवर्स दिया गया है। सो होपफुली ये बहुत दिन तक चलने वाला है। निचाई टेक्नोलॉजी यूज किया गया है जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी, और इसमें 18 months की वारंटी है। ये डस्ट प्रूफ वाटर प्रूफ है। ये स्काउटेक्स का लाइट बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी। दोनों पेयर मिला के 3.2 एम्प्स करंट ड्रॉ करेंगे। बीम डिस्टेंस इसका 200 मीटर्स का है। इसका जो थ्रो है वो 50-50 है। 50% ये फ्लडलाइट की तरह बिहेव करेगा और 50% स्पॉटलाइट है। स्काउटेक्स में इसके फिल्टर को लगा के देख रहा हूँ। बड़ा ही अच्छा ग्रूव्स दिया गया है।
ये प्रॉपरली होल्ड करेगा काउटेक्स में, इधर उधर गिरने का चांसेस नहीं है। एक बार अगर आप लगा दो, ये देखो लगाने के बाद बड़ा ही मस्त दिख रहा है। मैं अपने ट्रायम्फ स्पीड 400 में काउटेक्स को इंस्टॉल कराने के बाद उसका रिव्यू आप सभी के साथ अपने आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।